नमस्कार साथियों, प्रेमानंद योगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस प्राणायाम जो कि एक साधक एक योगी प्रैक्टिस करता है अपने योगा प्रैक्टिशन या इस जर्नी के दौरान, उसके बारे में बात करेंगे। बाह्य प्राणायाम यह एक एडवांस प्राणायाम है। बाह्य प्राणायाम जो है स्पेसिफिकली उसका इस्तेमाल हमारी जो बाहिर्मुखी इंद्रियां होती हैं उनको अंतर्मुखी करने के लिए किया जाता है। यानी कि एक व्यक्ति अपनी जनन इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए बाह्य प्राणायाम का इस्तेमाल करता है। बाह्य प्राणायाम का यह मेन सिग्निफिकेंस होता है। आज हम ये सीखेंगे कि बाह्य प्राणायाम को हम किस तरीके से कर सकते हैं, क्या उसमें गलतियाँ होती हैं जो लोग अक्सर करते हैं जिसकी वजह से उन्हें नेगेटिव इम्पैक्ट या इफेक्ट देखने को मिलता है, और सही तरीके से बाह्य प्राणायाम को किस प्रकार से करना चाहिए। बाह्य प्राणायाम के लिए आप बैठ जाएंगे इस पोजीशन में या किसी भी पोजीशन में, जैसे वज्रासन होता है, सुखासन होता है, आप किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हैं। उसके बाद हमें अपने हाथों को इस प्रकार से अपने नीज के ऊपर रखना है और चेस्ट को थोड़ा सा आगे लाते हुए बेंड कर लेना है। बहुत ज़्यादा बेंड करने की ज़रूरत जो है वो नहीं है, हमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखना है, मतलब बहुत ही ज़रा सा बेंड होना है। बेंड होने के बाद हमें अपने हेड को नीचे की तरफ करते हुए नोज से इनहेल करना है। इनहेल, नोज से इनहेल करने के बाद हमें एक्सहेल कर देना है कंप्लीटली। सो कंप्लीट एक्सहेलेशन, कंप्लीट एक्सहेलेशन करने के बाद हमें बंध लगाना है या अपने ब्रेथ को होल्ड करने वाला कुंभक लगाना है। इस स्टेट में, इस स्टेप में हम बाह्य कुंभक जो है वह लगाएंगे। यानी कि इनहेल करना है, एक्सहेल करना है और सांसों को रोक लेना है। रोकने के बाद हमें पेट को अंदर की तरफ पुल करना है और होल्ड करना है। तो पेट को अंदर की तरफ खींचते हुए हमें अपने स्टमक को होल्ड करना है अंदर की तरफ। ध्यान रहे, हमने कुंभक लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि इस प्रोसेस के दौरान हम ब्रीद इन नहीं कर सकते हैं। तो इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, होल्ड करना है ब्रेथ को, स्टमक को इन करना है और स्टमक को पुल करने के बाद आपको चिन को चेस्ट से टच करना है। तो आइए मैं आपको इसे करके दिखाता हूं और फिर देखते हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स या कॉशंस हो सकते हैं। तो अपने दोनों हैंड को इस तरीके से रख लेना है। इसके बाद चेस्ट को थोड़ा सा नीचे की तरफ बेंड करते हुए इनहेल करना है। इनहेल, एक्सहेल, स्टमक इन, चिन डाउन, ब्रेथ होल्ड। एक बार और करेंगे। तो ये देखा आपने कि बाह्य प्राणायाम का अभ्यास जो है वो किस तरीके से किया जाता है। हम इसे अलग अलग सिटिंग पोजीशंस में बैठ करके भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वज्रासन में किस तरीके से हमें यह करना चाहिए। तो मैं वज्रासन में बैठ जाता हूं। वज्रासन में बैठने के बाद इस बात का ध्यान रहे कि पेट जो है वो बहुत ही ज्यादा अंदर की तरफ जो है वो जाना चाहिए। तो अगर मुझे पेट को अंदर की तरफ करना है तो मुझे ब्रेथ को होल्ड करके पेट के ऊपर प्रेशर देते हुए खींचना है। ध्यान रहे, पेट को बहुत ज़्यादा अंदर खींचने का जो अभ्यास है वो हार्ट पेशेंट के द्वारा ना किया जाए, वरना हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने की समस्याएं जो हैं वो देखने को मिलेंगी। तो अपने बॉडी को स्थिर रखते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचना है। तो पेट को अंदर की तरफ खींचने के लिए हमें इस पोजिशन में रखना है। Thank you.
आइए अब साइड से देखते हैं इस चीज को। तो इस तरीके से हम बाह्य प्राणायाम का अभ्यास जो है वो कर सकते हैं। पेट को बहुत ज्यादा अंदर करने के लिए बहुत ज्यादा कपालभाति का अभ्यास होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज पेट जो है वो बहुत ज्यादा अंदर की तरफ जो है वो नहीं जाएगा। ध्यान रहे, किसी भी प्रकार की हार्ट की बीमारी है, हृदय रोग है, माइग्रेन की समस्या है बहुत ज्यादा, जिसको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट पेनिंग जो है वो होती है, तो वह व्यक्ति जो है इस प्राणायाम का प्रैक्टिस जो है अभ्यास जो है वो ना करे। बाकी बाह्य प्राणायाम जो है उसको करने से हमको बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक होते हैं, जैसे गैस हो गया, एसिडिटी हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया, डिस्पेप्सिया हो गई, अल्सर्स हो गए, इनको प्रिवेंट करने के साथ साथ हील करने का भी काम जो है वो बाह्य प्राणायाम करता है। लंग की कैपेसिटी बढ़ाना और रेस्पिरेटरी सिस्टम की कैपेबिलिटीज इंक्रीज करना, बॉडी में ब्लड का फ्लो जो है उसको इंक्रीज करना, ये सारे काम जो है वो बाह्य प्राणायाम करता है। तो आशा है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और इसे ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। धन्यवाद।